नमस्कार दोस्तों, आपका पहला सवाल, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही उत्तर होगा 7। आपका दूसरा सवाल, रामायण किस युग से संबंधित है? ए सतयुग, बी त्रेता युग, सी द्वापर युग, डी कलयुग। आपका सही उत्तर होगा त्रेता युग। आपका तीसरा सवाल, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? ए रत्नसेन, बी रत्नेश, सी राकेश, डी रत्नाकर। आपका सही उत्तर होगा रत्नाकर। आपका चौथा सवाल, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? ए घटोत्कच, बी मकरध्वज, सी अंगद, डी नील। आपका सही उत्तर होगा मकरध्वज। आपका पांचवा सवाल, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? ए जटायु, बी संपाति, सी गरुड़, डी जामवंत। आपका सही उत्तर होगा गरुड़। आपका छठा सवाल, अहिल्या के पति का क्या नाम था? ए गौतम, बी विश्वामित्र, सी बृहस्पति, डी वशिष्ठ। आपका सही उत्तर होगा गौतम। आपका सातवां सवाल, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया? ए विभीषण, बी अक्रूर, सी सुसेड़, डी चरक। आपका सही उत्तर होगा सुसेड़। आपका आठवां सवाल, समुद्र मंथन से प्राप्त श्वेत वर्ण हाथी का क्या नाम था? ए अश्वस्थामा, बी एरावत, सी शत्रुंजय, डी कुवलयापीड। आपका सही उत्तर होगा एरावत। आपका नौवां सवाल, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? ए कैकसी, बी मंदोदरी, सी मंथरा, डी उर्मिला। आपका सही उत्तर होगा मंथरा। आपका दसवां सवाल, मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? ए
राम, बी लक्ष्मण, सी भरत, डी शत्रुघ्न। आपका सही उत्तर होगा शत्रुघ्न। आपका सवाल नंबर 11, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? ए दशानन, बी कुंभकर्ण, सी इंद्रजीत, डी चित्रसेन। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।